तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मछली रहा करती थी। यूं तो तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी, लेकिन विशाल मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था। वो अक्सर सोने में ही अपना समय बिताती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं, बोलो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियां लेकर जाते और बाजार में बेच देते। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियां खत्म होती जा रही थी। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली, उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी। अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो? बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरे और उसका पति, एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई? वो लोग हर रोज हजारों मछलियां हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही, आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी, सबकी सब बोले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे, तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था। विशाल मछली ने मछुआरन और उसके पति के आते ही तालाब से छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहाँ से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो इतनी विशाल मछली, लगता है ये वेल मछली है, ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूँ तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की। आज तुमने हम सबकी जान बचाई है, शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे, तो चले। मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है। लालची चिकन सूप वाला। श्यामलाल शहर के बाजार के बीचों बीच सड़क किनारे एक ठेला लगाकर चिकन सूप बेचता था। जो भी बाजार में आता उसके चिकन सूप की खुशबू से वहाँ खींच लाती। उसके ठेले के आगे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे भैया, एक प्लेट चिकन सूप देना और हाँ, एक प्लेट पैक भी कर देना। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भाई साहब, आपसे पहले 4 ग्राहकों के नंबर हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर इंतजार कर लेता हूँ। उसका नंबर आने पर श्यामलाल उसे सूप देता है। सूप पीने के बाद वह आदमी कहता है, अरे वाह भाई, मजा आ गया। श्यामलाल उनका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क के दूसरी ओर जगन सेठ अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह सड़क पार कर श्यामलाल के ठेले पर पहुंचता है। अरे भाई, एक कप सूप तो पिलाना। श्यामलाल जगन सेठ को चिकन सूप पिलाता है। अरे भाई, मजा आ गया तुम्हारा चिकन सूप पीकर, कितना कमा लेते हो यहाँ तुम। बस गुजारा हो जाता है सेठ जी। अरे मेरे साथ मिलकर काम करोगे? जितना तुम यहाँ कमाते हो उसे 3 गुना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल बताऊंगा।
श्यामलाल रात भर जगन सेठ के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन जैसे ही वह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तभी जगन सेठ उसके पास आता है। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से श्यामलाल जगन सेठ के रेस्टोरेंट में चिकन सूप बनाने लगता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सारे ग्राहक जगन सेठ की दुकान पर आकर उसका सूप पीने लगते हैं। जगन सेठ का रेस्टोरेंट जो कभी खाली रहता था वहां अब हमेशा भीड़ रहने लगती है। अरे लो भाई श्यामलाल, अपने पैसे ले लो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेठ जी, आपने मुझे मौका दिया। कुछ महीने सब ठीक चलता है लेकिन बाद में जगन सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह श्यामलाल से सूप बनाने का तरीका सीख लेता है। एक दिन जगन सेठ श्यामलाल से कहता है, भाई श्यामलाल, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बनाए सूप में अब। अरे तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ जी। भाई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। श्यामलाल अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है और अगले ही दिन फिर से अपना ठेला लेकर बाजार के बीचों बीच अपना काम शुरू कर देता है और पहले से भी अच्छा चिकन सूप बनाकर रेस्टोरेंट से सस्ते दामों पर बेचने लगता है। श्यामलाल अपने हर ग्राहक को सारी बात बताता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सभी ग्राहक वापस आ जाते हैं और जगन सेठ का रेस्टोरेंट फिर खाली हो जाता है। सीख, लालच बुरी बला है। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था, वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था, वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है, बस ये रियाज चिकचिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था, उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है, कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहां तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं, कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई, अब रोज ही ऐसा करूंगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी चार मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। सोहन के पास एक खटारा बाइक थी, वह कभी भी कहीं भी खराब हो जाती थी। सोहन उसे मैकेनिक के पास ले जाता और पैसे देकर जैसे तैसे ठीक करवाता था। अरे भाई सोहन, नई बाइक ले लो, कब तक इसकी मरम्मत करवाते रहोगे, अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सोहन को डींगे मारने की बहुत बुरी आदत थी।
अरे तुम देखना, मेरी बाइक जर्मनी से आने वाली है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और जिसे तुम खटारा समझ रहे हो ना, इसे तो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में भेजना है, दुनिया देखने आएगी इसे। अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है सोहन भाई? हाँ हाँ, खास बात तो ये है कि ये बाइक मेरे दादाजी की है, एक बड़े राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी, ये 150 साल पुरानी बाइक है। हर जगह सोहन बिना सोचे समझे गप्पे मारता रहता था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था, रास्ते में बाइक फिर खराब हो गई। जब तक वो चली तब तक पिक्चर खत्म हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी बहुत हुआ, आज के बाद मैं इस बाइक पर नहीं बैठूंगी। आज मेरी सहेलियां सभी मुझ पर हंस रही थी, इस खटारा पर तो तुम ही बैठो, मैं चली घर। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पड़ोसी की बाइक चुरा ली और उसे सुबह होने से पहले अपनी बाइक के साथ जोड़कर एक नए रूप में रंग दिया। सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने ले गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोहन का पड़ोसी बहुत उदास था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, पर बाइक का कुछ पता ना चला। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सोहन को मिला। अरे सोहन, मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जी हाँ, चलिए आइए बैठिए। अरे बड़ी अच्छी बाइक है भाई, एकदम अलग, कहाँ से लाए हो? सिडनी से लाया हूँ साहब, मेरे चाचा की वहाँ बाइक की फैक्ट्री है, आपको चाहिए तो बताइएगा जरूर। सोहन की बातों पर अफसर को शक हुआ। अरे आओ सोहन, बैठो, तुम्हें चाय पिलाते हैं। सोहन खुश हो गया और अफसर के इशारे पर उसकी बाइक की तलाशी हुई और पता चला कि ये तो चोरी की बाइक है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, चाय के लिए धन्यवाद। अरे रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो बस चाय ही पिलाई है, हवा खाना तो बाकी है। चलो हवालात में, चोरी करने और गप्पे मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अब यहीं बैठे बैठे खटमलों को अपनी गप्पे सुनाना। नारियल पे चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था, जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है। दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है, आप बोलो तो एक हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ, मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, एक हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या, 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो, काम करने वाला कोई नहीं इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना? आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर खुद ही नारियल पेड़ चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयां देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली, सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है, जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा।
अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है। ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है, अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो, अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा, बस एक रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रस्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा।